सबसे पहले तो सारे प्रदेशवासियों को मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं श्रावण मास की। जैसा कि विदित है कि आज श्रावण का पहला सोमवार है, जो हमारे पहाड़ी एरिया है यहाँ पर जो है श्रावण जो सूर्य कर्क राशि में जब आते हैं तो जो है श्रावण मास कहलाता है। तो पहला सोमवार होने से जो है आज लोग जो है प्रातःकाल से ही बोले के दरबार में आ रहे हैं और श्रद्धा अनुसार पूजा कर रहे हैं और करा रहे हैं। बेल के पत्र, धूप और तथा दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से शिव का रुद्राभिषेक करा रहे हैं और कर रहे हैं, जल अभिषेक कर रहे हैं। और प्राचीन शिव पुराण के अनुसार जो है इस महीने में जो है माता पार्वती जी ने भोलेनाथ को पाने के लिए जो है तपस्या की थी और इसी महीने हुए प्रसन्न होकर उन्होंने पार्वती माता से कहा था कि आज मैं आपकी तपस्या से प्रसन्न हूँ और इस महीने में जो भी मेरी पूजा करेगा या श्रद्धा से एक लोटा ही जल अभिषेक करेगा उसको मैं जो है मनवांछित फल की प्राप्ति जो है उसे अवश्य होगी। उसकी जो भी कामना हो, चाहे कोई असाध्य रोग हो या कोई और कोई कामना हो या लड़की कुंवारी कन्याएं हो, उनको अच्छे पति की जो है तलाश हो, तो इन सब के लिए जो रुद्राभिषेक किया जाता है और आज सब कर रहे हैं। श्रावण के जो सोमवार हैं इसका विशेष महत्व होता है व्रतों का। आज पहला सोमवार है तो इसमें प्रातःकाल से लोग भोलेनाथ जी का व्रत रखते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसका विशेष महत्व आपकी कोई भी कामना हो सकती है, जिस भी कामना से आप व्रत रखेंगे वो कामना अवश्य पूरी होगी। इसमें जो है श्रद्धा भक्ति जो है आपकी सबसे पहले जरूरी है। जिस भी श्रद्धा भक्ति से जो भी कामना के लिए आप व्रत इत्यादि करेंगे वो अवश्य पूरी होगी।